अंकल जी कैसे हो? अंकल जी ठीक है? थोड़ा सा आओगे इधर मेरे में बात करना है, घूम के बैठ जाओ। अच्छा अच्छा अभी कैसे हो? ठीक हो? अभी ठीक है। प्रॉब्लम यह है जरा कमजोरी आ गई है। तो गाड़ी वाड़ी मतलब आज कहीं नहीं रख सके क्या? नहीं कहीं नहीं जा रहा हूँ, 15 दिन हो रहा है। क्यों? जब इनवा चले जब तो थोड़ा जोर हो गया ना। बस खर्चा वर्चा कैसा चल रहा है फिर? खर्चा वही बताएंगे, लड़के लोग वो भी दे देते हैं। अच्छा यहाँ पे लड़के लोग जो मतलब दे देते होंगे आपको? हाँ वही खाते हो? हाँ वही दो रुपए। पानी क्या ये इस बोतल में पानी पीते हो आप? अरे हाँ। इतनी गंदी बोतल में? नहीं गंदी का है, अब वो गंदी का है ऐसा ही है। देख सकते हैं गाइस आपकी ये बोतल मतलब इतनी ज्यादा गंदी है, इस बोतल में पानी भर रखा है और पानी भर के रखते हैं तो उससे काम चलाते हैं। बाबू जी थोड़ा सा बताओ, जैसे आपका रहना कहाँ होता है? आप रहते कहाँ पे हो? रहते यही है। रहते मतलब यही पुल के नीचे? ओ कैसे मतलब बाबू जी यही पुल के नीचे लिए थे तो कमरा वाला 1500 मांगने लगा। हमने कहा अकेले कहाँ से 1500 दे भैया, अब तो अभी 1200 दे रहे थे, उन्हें कम से 1500 कर दिया। भैया चलो फिर अपना सोते कहाँ पे हो? ये आपका बिस्तर है? अच्छा सोना कैसा होता है बाबू जी मतलब यहीं पे? यहीं पे वही बताते रहे, वो जहाँ वो लगाते हैं साटर। साटर किस टाइप का बताएंगे थोड़ा सा? साटर है इसको खोलो ये नहीं या खोलो? हाँ बताओ। ये खोल के यहाँ लगाते हैं, बताना कैसे। हाँ अब देखो हम कैसे सोते हैं, थोड़ा सा बताओ। तो सो कैसे बता रहा है तुमको? अरे यार नाले थोड़ी दिखाएंगे। नहीं 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 वो कभी बोल देता हूँ, तो इधर इधर सांसर होगी ऐसे। ये अपना ये देख लिया इस तरीके से पीछे को सो जाते हो? ये सो रहा है ऐसे। गिरने का डर नहीं लगता आपको? नहीं आदत बन गई ना। आदत बन गई छोटे छोटे, ये रोड चलता है बराबर में नींद आ जाती है? अरे बिल्कुल ना, रोड चल रहा है तो भी नींद आ जाती है। देख लिया मैं, भूख तो लगती है। भूख लगी होगी? कुछ ला देते हैं आपके लिए खाने का, बाकी आपके खर्चे के लिए कुछ पैसे दे देंगे बाबू जी, जिससे आप खाने का सामान सब्जी है चावल है आटा है थोड़ा थोड़ा खरीद लेना। ठीक है बाबू जी? ऐसा है यार मैं बहुत मजबूर हूँ, मैं भी कुछ खाने का ला दूँ आपको। ठीक है मैं आपके लिए इसमें थोड़े आम हैं और केले भी हैं, और एक जगह मैंने बात की है खाने की, तो आप खाना खा लो वहाँ पे, और जिसने भी नहीं खाया ना इधर सबको बोल देते हैं, मैं बोल दूँगा सज्जन आप खाना खा लो। हाँ यहाँ एक रेली पे मैं ठेली पे बोल के आया हूँ। अरे अल्लाह करो यार। ठीक है बाबू जी आओ खाना खा लो हैं। ठीक है आ जाओ। देखा कि असली परेशानी क्या होती है, एक हमारे बाबूजी मतलब जो कि आपने वीडियो में देखा कि इतनी उम्र के होने के बावजूद भी वो मतलब एक पुल के नीचे सोते हैं, ये 3-4 महीने जो लॉकडाउन के हुए हैं उनके लिए मतलब बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना उन्होंने किया है, और लास्ट 15 दिन से मतलब बता रहे थे कि प्रॉपर तरीके से खाना तक उन्होंने नहीं खाया था, और एक रिक्शे पर सोते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि असली परेशानी ये होती है। तो हमने ही गाइस आगे आना है, अपनी शुरू करते हुए हमने देखना है ऐसे लोगों को, ऐसे लोगों की हमने मदद करनी है, चाहे वो जो भी हो, चाहे छोटी से छोटी मदद आप पैसे से कर सकते हैं, खाने से कर सकते हैं, जो भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल पे आप बने रहिए, ऐसी वीडियोस आपको और भी मिल जाएंगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।